हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये क्रोशिया का फूल कैसे बनाते हैं देखेंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। देखिए, ये आप ऐसे बनाएंगे तो आप स्वेटर पे कलर कॉम्बिनेशन करके स्वेटर पे लगा सकते हैं, छोटे बच्चे के ड्रेस पे इस तरह के फूल बनाकर आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ये ट्रिपल क्रोशा जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, वो ट्रिपल क्रोशा से ही हम ये फूल बनाएंगे। पहले हम 8 साखली डालेंगे, फिर ये 5 पंक्तियों का फूल बनाएंगे। उसके लिए हमें क्रोशा लगेगा और वुल लगेगा। तो शुरू करने से पहले मैं अपने फ्रेंड्स को थैंक्स कहूँगी, मुझे सब्सक्राइब किया इसके लिए, मुझे लाइक किया इसके लिए। इसी तरह मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। फ्रेंड्स, ये अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ये वीडियो के नीचे कॉर्नर में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसी को क्लिक कीजिए ताकि ये फ्री ऑफ चार्ज है और मेरा अगला वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू वंस अगेन। आज हम अभी शुरू करते हैं, ये कैसे किया है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम ये जो फूल है उसे हम ये नॉट डालेंगे इसी तरह जो हमने सीखा है। और पिछले वीडियो में हमने अब तक आप लोग चेन कैसे डालते हो सीखे होंगे, फिर से दिखाती हूँ। 8 चेन डालेंगे ये इस तरह नॉट डालने के बाद में, 7 चेन डालेंगे, 8वें चेन से हम ज्वाइन करेंगे राउंड को। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए, ये 7 चेन हो गए। तो इसे हमने ये राउंड करने के लिए ये जो हमने पहली चेन डाली थी वो उसी के अंदर से डालकर ये नीडल को निकालना है और इस तरह ये चेन बन जाएगी, ये राउंड बन जाएगा। ठीक है, अब हमें ये 5 पेटल्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 पेटल में हमने ये 3 डबल क्रोशा डाले हैं। ठीक है, और ये चौथा ये चेन है और ये नीचे बंद करने के लिए और एक चेन डाली है, तो ये 5 हो जाते हैं। ये 5 पेटल्स के हम फूल बनाएंगे। तो हमें 3 चेन डालनी है, 1, 2, 3। 3 चेन डालिए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने नॉट डाली है तो ये जो वूल है उसे ही हम इस तरह लपेट के अंदर इस तरह हम लपेटेंगे, काटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम ट्रिपल क्रोशा कैसे डालते हैं, इसीलिए हमें 3 2 बार डालने हैं। ये तीसरा वाला आ जाएगा, फिर ये जो राउंड है उसके अंदर से निकाल कर हमने निकालना है। देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 में से ये 2 हो गए, 2 के फिर से 2 हो गए और 2 के 1 हो गए। इस तरह हम ट्रिपल क्रोशिया डालते हैं। ठीक है, फिर से करेंगे 1, 2। देखिए, ये इस तरह डालेंगे, ये ऐसे हो गया 2 निकालने के, फिर से 2 निकालने का है, फिर 2 निकालने, 3 बार 2 2 निकालने का है, तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाता है। हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। ये हमने चेन डाली थी, 3 चेन डाले थे। और एक बार करेंगे,
इस तरह देखिए, ये इस तरह और ये इस तरह, तीन हो गए, ये चौथा। अब जो लास्ट वाला है नीडल डालने का है, और यूं इसे ही निकालना है। ओके, फिर ये जो वर्क किया है हमने उसे थोड़ा से खींच लेना है। फिर से हमें देखिए इस तरह तीन डाले हैं हमने ट्रिपल क्रोशा। फिर से हमें तीन चेन लेनी है, एक दो और तीन। अब हमें फिर से ट्रिपल क्रोशा करना है। देखिए ये इसे हम, ये जो वूल है उसे हम राउंड करेंगे तो दिखेगा नहीं, ये टांके के अंदर चिप जाएगा। इस तरह ये हो गए हमारे चार और ये पांच। इसको खींचना है, दो निकाले फिर से दो निकाले फिर से दो निकाले। इस तरह ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशा हुआ। फिर से करेंगे, ये हो गया, ये हुआ, ये हुआ, दो हो गए। अब तीसरा, एक दो तीन, तीन हो गए। चौथे वाले में यूं ही सिंगल स्टिच डाली है, ये दो हो गए हमारे। फिर थोड़ा यूं से ऐसे इस तरह सरकाना है यहाँ, ताकि हमें और दो तीन डालने हैं तो जगह मिलनी चाहिए इसके लिए। वापस अब हम तीन चेन डालेंगे, एक दो तीन, फिर से ट्रिपल क्रोशा, यूं एक दो तीन, देखिए फिर से इस तरह हमें पांच पेटल करनी है। पांच पेटल का ये एक फूल बन जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब हमें ये नीचे एक ही डालना है, तीन हो गए, अभी और दो करने। यहाँ से ऐसे खींचना है ताकि हमें स्पेस मिल जाएगा। फिर से तीन चेन डालनी है, वन टू थ्री। ट्रिपल क्रोशा के लिए दो बार लेना है सुई पे धागा, निकालना है रिंग में से। ये पांच हो गए, पांच के हो गए दो, दो के वापस दो, वापस एक। इस तरह अभी सेकेंड वाला डालेंगे, एक दो तीन, ये दो हो गए। फिर से तीसरा, एक दो तीन। अब ये आटा नहीं, ये धागा बिना लेके रिंग के नीचे से निकाल के ये दो जो है ये हो गए। अब चार हो गए हमारे। फिर से हमें तीन चेन लेनी है, एक दो तीन। फिर से हमें ट्रिपल क्रोशा डालना है, देखिए इस तरह, एक दो तीन, एक बार हुआ, अभी और एक बार, दो बार करना है, एक दो तीन, दो हो गए। फिर से ये थर्ड हो गया, ये दो तीन। अब हमें ये नीचे ही डाल देना है, फिर ये निकाल देना है। इस तरह हमें ये फूल बन गया, एक दो तीन चार पाँच। अब इसे धागा निकालना है हमें यहाँ से,
ये इस तरह ये नॉट हो जाएगी इसकी। इसे काटना है, इस तरह हमारा ये फूल, खूबसूरत सा फूल रेडी। आप किसी पे भी इसे पैच वर्क कर सकते हैं, ये ऐसे टाका डालेंगे तो ये इस तरह बॉर्डर भी बन सकती है, है ना, बहुत ही आसान। तो थैंक्स व्यूअर्स मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा आपने मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, बाय।